हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक्सरसाइज 4C में क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई। इधर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स है, लेकिन इसमें कई सम्स में 3 रेशनल नंबर्स है तो कई सम्स में 4 रेशनल नंबर्स है। तो ये कैसे करना है देखते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखिए बच्चों, -7/6 +3/8 +1/4, इधर अगर आप देखोगे तो ये जो डिनोमिनेटर्स है ये इक्वल नहीं है। अगर डिनोमिनेट इज इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सो 2 3s are, 2 4s are, 2 2s are, फिर से 2 2 2s are, 2 1s are, फिर से 2 2 1s are 2, एंड लास्ट में 3 1s are। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया बच्चों, एलसीएम है 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो हमारा एलसीएम है 24। मतलब हम इन सभी नंबर्स को क्या बनाएंगे, 24 के इक्वल बनाएंगे। सो ये डिनोमिनेटर भी 24, फिर प्लस साइन, ये डिनोमिनेटर भी 24, फिर प्लस साइन, ये डिनोमिनेटर भी 24। ठीक है, अब 6 4s are 24, ये डिनोमिनेटर 6 था, अब क्या बन गया है वो 24। मतलब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 24 बनता है, तो न्यूमरेटर में भी 7 × 4, सो 7 4s are 28। और ये जो माइनस साइन है ये यहाँ लगा दिया, क्योंकि माइनस और 4 के साथ प्लस साइन है, सो माइनस इंटू प्लस माइनस। नेक्स्ट 8 3s are 24, मतलब 3 3s are 9, 4 6s are 24, मतलब 1 6s are 6। अब देखिए बच्चों, सब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं, तो हम एक ही बार -28 +9 +6 इस डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख सकते हैं। अब हमें इन तीनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है इंटीजर्स का रूल फॉलो करके। अब -28 +9 क्या होगा बच्चों, 1 प्लस 1 माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर हो गया। सो इन दोनों का आंसर आ रहा है -19। इसके बाद -19 +6, फिर से 1 प्लस 1 माइनस, सो सब्ट्रैक्शन एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 19 बड़ा है इसलिए -13 और नीचे 24। अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे और आप मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते, तो आप इधर ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सम में देखिए बच्चों, इस नंबर के आगे 2 साइन है, तो पहला स्टेप होगा इसे 1 साइन बनाना, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3/4 +7/8, फिर से ये तीनों का एलसीएम निकालना है 3 4 8। हम हमेशा 2 से शुरू करते हैं, फिर से 2 2 1s are 2 2s are, फिर से 2 और आखिर में 3। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, यही एलसीएम आ रहा है। तो हम इन सब को 24 बनाएंगे क्योंकि एलसीएम हमारा है 24। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह प्लस, सो आर एलसीएम इज 24। अब 3 बन गया है 24। पहले डिनोमिनेटर में 3 था, अब डिनोमिनेटर है 24, मतलब 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, सो 1 8s are 8। फिर 4 6s are 24, सो 3 6s are 18, 8 3s are 24, सो 7 3s are 21। अब इस सम की तरह यहाँ अलग अलग है, हम एक ही बार लिखेंगे 8 - 18 + 21, और नीचे एक ही बार 24 दिखाएंगे। तो पहले इसे सॉल्व करना है, 8 - 18, अभी 8 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, 1 प्लस 1 माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन, 18 में से 8 गया तो 10, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 18 बड़ा है उसका साइन है -10, सॉरी माइनस, तो माइनस लगा दिया। सो 8 - 18 का आंसर है -10। अब बाकी क्या बचा बच्चों, +21, 1 प्लस 1 माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो हमारा आंसर आ रहा है 11/24। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इधर ही छोड़ देंगे। यहाँ भी -1/9 के आगे 2 साइन है, तो हम इसे भी 1 साइन बनाएंगे, कैसे, प्लस इनटू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब
इसी तरह अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपका आंसर आ रहा है, एलसीएम का आंसर आ रहा है 72। ठीक है, तो हम सबको 72 बनाएंगे बच्चों। ठीक है, सो 72, 72 और 72। सो 8 नाइन्स आर 72, सो 1 नाइन्स आर 9। फिर 12 सिक्स आर 72, सो 5 सिक्स आर 30। 9 एट्स आर 72, सो 1 एट्स आर 8। तो अब हम इसे एक ही बार लिखेंगे, 9 प्लस 30 माइनस 8 एक ही साथ और नीचे 72 एक ही बार। अब 9 प्लस 30 क्या है बच्चों, 39। 39 में से 8 गया तो 31, सो 31 बाई 72, दिस इज योर आंसर। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में 13 बाई 15 के आगे दो साइन है, तो हम इसे एक साइन बनाएंगे, प्लस इनटू माइनस माइनस, और फिर इधर भी 9 बाई 50 के आगे दो साइन है, प्लस इनटू माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर्स है ये अलग अलग है, 10, 15 और 50, तो हमें एलसीएम निकालना होगा। 2 फाइव आर 10, 2 ट्वेंटी फाइव आर, 2 के बाद हम 3 का ट्राई करेंगे, 3 फाइव आर 15, फिर 25, क्योंकि 3 25 में नहीं जाएगा। फिर 5 वन आर 5, 5 फाइव आर, फिर 5 आंसर। सो अभी हमारा एलसीएम क्या हुआ, 2 थ्री ज़ार 6, 6 फाइव ज़ार 30, 30 फाइव ज़ार 150। सो हमारा एलसीएम है 150। मतलब इन सबको अभी हमें क्या बनाना है, 150 बनाना है। फिर इधर माइनस, फिर 150, फिर इधर माइनस, फिर 150। अब 10 इंटू क्या 150 आएगा बच्चों, देखिए अगर आप ऐसे देखना चाहते हो 10 इंटू वॉट इज 150, तो आप ऐसे कर सकते हो, एलसीएम को लिख के 10 से डिवाइड कर दीजिए, सो 15। सो 10 इंटू 15 इज 150, सो ऊपर भी 15, 15 फोर ज़ार 60। अब 15 150 में कितने बार जाएगा, सो 15 इंटू वॉट इज 150, तो आप 150 को 15 से डिवाइड कीजिए, सो 15 वन ज़ार